बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ विद शाजिया। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की दुआओं के साथ हम बिल्कुल बढ़िया हैं, फिट फाट मज़े में। यहाँ फौजिया आपकी मुझे चढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं मतलब स्टार्ट लेती हूँ तो वो बड़ा हंसती होती है कि भाई तुम किस तरह लेक्चर टीचर बन के स्टार्ट लेती होती हो। और तो क्या, इतनी आपा फतो बन जाती हो कि लोग भी बोलते होंगे ओह माय गॉड क्या करें, आ गई हमारी आपा फतो, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ हो रहा है मेरा नाश्ता, मेरा इसलिए क्योंकि मैं बहुत लेट उठी थी, तकरीबन ये मैं जोहर की नमाज पढ़ के आके बैठ के मैंने नाश्ता किया था। मैं बहुत ज्यादा मासूम सी मैं बच्ची, सुबह देखो 9 बजे उठने वाली बच्ची, आराम से नाश्ता करके खुद भी कर लिया, लेकिन ये मैडम उठी 1:30-2 बजे के करीब। मैं बहुत इस बार मतलब मैं बहुत लेट हुई थी, वो मतलब उठी थी कल बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो मैं रात भर अपना काम वाम कर रही थी, उस पर मतलब देख रही थी, और उसको छोड़े हम यहाँ पर मतलब फोकस करें कि मैं यहाँ पर खा रही हूँ। ये नोटिस करें ये क्या खा रही है, बड़ा वाला पराठा और इसमें मलाई, माशाल्लाह से बहुत कमजोर है ये। हाँ बहुत वीकनेस हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। और यहाँ मैं गर्मा गर्म पराठे के साथ ठंडी चिल्ड मलाई पे मैंने हल्की सी चीनी ऐड की, भाई मुझे थोड़ा सा इस तरह थोड़ा क्रंच क्रंच जब आता है ना मुँह में, मजा आ जाता है वो खाने में, मजा ही आ जाता है। और इसका हमने अपना नाश्ता वाश्ता खत्म करने के बाद, अपने घर के झाड़ू पोछा सब करने के बाद, हमने आपसे अपनी चपली कबाब की रेसिपी शेयर की है। यार बहुत टाइम हो गया था, हमने नहीं बनाए थे, तो हमने कहा आपसे शेयर करते हैं। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1.5 टेबल स्पून भर के, शायद उससे ज़्यादा ही भी नहीं डाल दिया हूँ, दादरा मसाला, और वो मतलब पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 3 चम्मच आया क्योंकि हम थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, और कीमा हमने लिया है 1 किलो चर्बी वाला, और इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा पीस के रखते हैं कि अभी हमारे पास नहीं था, तो हम लोग पैकेट वाला ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हम लोग यूजली पैकेट का काम हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता, पसंद नहीं करते। सुनने को मिलती है भाई, हाँ सुकड़ औरतें ही नहीं। हाँ और यहाँ मैं वो हम डाल रहे हैं 1.5 टेबल स्पून पपीता और 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, क्योंकि यार इसके अंदर जो महक होती है ना वो अलग करनी ज़रूरी होती है, और 1 अंडा इसमें जाएगा, और आपने इसके अंदर ऐड करना है, ये हमारे पास है क्या कहते हैं मैदा, क्योंकि यार शॉप वगैरह बंद होने की वजह से ना तो हमें कॉर्नफ्लोर वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, क्योंकि वो आटा नहीं था, क्या कहते हैं बेसन, बेसन जी जी। तो इसलिए हमने मैदे को भून के वो इसके अंदर ऐड किया है, और इसमें जाएगा 1 अदद बड़ा प्याज, 1 अदद टमाटर, उसके 20 निकाल दीजिएगा, हरी मिर्च 4 से 5, और धनिया पूरी गट्टी। बाकी अगर आपको और भी कुछ इसमें ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट क्वांटिटी और बेस्ट इसका मिक्सचर है। इस वाली रेसिपी से अगर कोई ट्राई करेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हमने भी ट्राई किया। पहले फौजी आपने पहना था ग्लव्स, ग्लव्स से जब काम नहीं बना तो ग्लव्स उतार दिए। हाँ, तो जो हाथों के काम है वो देखो, मेरे असल में हाथ कटा हुआ था, मिर्चे लग रही थी इसीलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए, लेकिन मेरी बदकिस्मती से उतारने पड़ गया। यहाँ मैं आप लोगों को व्यू, यार कल का वेदर बहुत खूबसूरत था, कल बबहुत प्यारी सी बारिश भी हुई, तकरीबन को 3-4 दिन के बाद हुई ना बारिश, शुक्र है। हाँ थोड़ा सा स्टॉप होने के बाद बारिश ने बहुत तबाही मचाई है भाई, हर जगह के बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा वाली तबाही हुई है। और प्लीज अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक थम्स अप जरूर दीजिएगा, आपका प्यार होगा उस वो मेरी तरफ मतलब मेरे लिए आपकी तरफ से, तो प्लीज थम्स अप बिल्कुल मुझे भी दीजिएगा भरपूर प्यार। आमीन आमीन, ये पीछे ना रहते इसको भी जरा प्यार दे, मुझे भी भरपूर प्यार। यहाँ हम लोग मौसम के साथ साथ चपली कबाब भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ मेरे घर वाले ऐसे कोई चट्टोरे हैं ना, मेरी प्लेट अब बनी हुई तो देख रहे हैं, और ये मैं आई थी नमक, देखा दांत कैसे निकल रहे हैं, चट्टोरे मेरे घर वाले चट्टोरे हिसाब से, ये इसको तो मैं कहती होती हूँ कि किसी ना मुझे चावल वाले की फैक्ट्री गोदाम वाले से शादी करानी चाहिए जिसके चावलों के गोदाम हो, इसको चावल इतने पसंद है मुझे बहुत पसंद, से, इतने बहुत पसंद है, मैं बता नहीं सकती हूँ है, और मुझे हर एक किस्म का राइस पसंद है, लेमन राइस, अनियन राइस, आप इसको 24 घंटे चावल खिलाएंगे 24 घंटे चावल खाएगी, इतनी मुश्किल है। आई लव राइस। तो खैर यहाँ मैं देखना अभी आप प्लेट खाली को बरी भी माशाल्लाह से चावलों की, चुप रहो मुझे बताने दो कि तुम लोगों ने क्या किया। यहाँ अभी आप देखिएगा प्लेट माशाल्लाह चपली कबाब बने, सब ने खाए चट्टोरों। हाँ। अब ये देखिए आप प्लेट प्लेट खाली चट, मैं जब तक नमाज पढ़ कर आई हूँ भाई, तो इसको पढ़नी थी नमाज, हम तो पढ़ चुके थे,
ठीक है, हमने तो कहा पहले हम ठूस लेते हैं उसके बाद तो जो मतलब बंदा लिहाज ही कर लेता है, लेकिन भूख के मामले में कोई लिहाज नहीं होता मेरे पेट में, कोई लिहाज लिहाज का कोई एल भी नहीं किसी को पता, मेरे यहाँ सब के सब पुखड़े हैं, सब के सब चटोरे हैं कि बस आया अघड़म सब यूज कर लो, बस कुछ ना छोड़ना। तो भाई हम लोगों ने अपना खाना वाना सब खत्म कर लिया, तो नताशा आप ही का हमें फोन आया था तुम कमबख्त मारियो ने अभी तक कबाब नहीं बनाए, तो यहाँ ऑर्डर देती हूँ तुमने ये काम नहीं किया। चलो रेसिपी बताओ कितने कितने हैं भाई। ये जो है कबाब बना रहे थे हम लोग, थोड़े से मोटे लच्छेदार का कबाब जो कहते हैं शामी कबाब, लच्छा कबाब ठीक है। इसमें हमने जो गोश्त का इस्तेमाल किया क्योंकि गोश्त हमारे पास फ्री फंड का पड़ा था, तो जो हम लोगों ने बकरे तो हम लोगों ने क्वांटिटी इस पर जो तकरीबन 4.5 किलो के करीब गोश्त है, मोटी मोटी बोटियाँ हैं इसके अंदर काट के, उसके बाद इसमें एक अदद प्याज चलेगा और खूब सारे मिर्चोले जिसको हम कहते हैं वो क्या कहते हैं साबुत लाल मिर्चे, वो मैंने भर के डाले क्योंकि ये थोड़ा से फुल स्पाइसी हमारे घर में फुल, मेरे दीदी तो ऐसे खाते हैं स्पाइसी के पूछो ही मत, अल्लाह माफ कर बंदर का अंदर सड़ जाए सारा का सारा इतना स्पाइसी होता है। अच्छा उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, थोड़ा सा मिक्सिंग वाला, उसके बाद इसमें लाल मिर्च जाएंगी ठीक है, नमक अपने हिसाब से रखें क्योंकि मैंने नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ही रखा था क्योंकि मैंने कहा बाद में चखने के बाद पता चल जाएगा। लाल मिर्च हमने 4 टेबल स्पून माशाल्लाह से, लाल मिर्च मैंने तो काउंटिंग ही नहीं की थी जो सच्ची बात है, मैंने अपने हिसाब से क्योंकि जीजू के हिसाब से बनाए थे ना इसीलिए। और ये पिसावा फिर गर्म मसाला है इसमें, हल्दी है और उसके बाद लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च भी देखे मैंने कितनी डाली थी, और मतलब कि हमारे यहाँ पर नॉर्मल स्पाइसेस नहीं खा सकते हम लोग, थोड़ा स्पाइसीज खाना पसंद करते हैं। और ये अच्छा, इसमें जो है ना दाल का इस्तेमाल जो है ना बहुत कम होता है, एक कप छोटे वाले दाल ली मैंने इसको भिगो के रख दिया था, लच्छा कबाब है तो इसमें गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और बाकी दाल का इस्तेमाल कम होता है, बाकी दूसरा जो बनते हैं शामी कबाब दूसरे तरीके के उसमें दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दरमियाने ना कहते हैं ना कि अगर गोश्त ज़्यादा तो उसके हाफ, लेकिन लच्छा कबाब में गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब मैंने मुस्टंडों को मिक्स कर दिया सारा को, ये देखें इनकी तबाही मचा दी दुनिया के अंदर, बस अब इनको चढ़ा दिया था। हाँ भाई, और भाई मैं बाकी का रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं अपने और भी काम वगैरह कर रही थी, तो मैंने बोला था इसको कर लो रिकॉर्ड, इसने मेरी बात नहीं सुनी थी, झूठी मक्कार फरेबी कहीं की तुम लगी हुई थी अपने टास्क कंप्लीट करने तो बस यहाँ पर फौजिया आप ही ने बना लिया था। इसमें बाकी जो भी धनिया वनिया जो एक्स्ट्रा ऐड करना था बाकी सब तो आप सबको माशाल्लाह से पता ही है, जो मेन रेसिपी बोटियों का बेड़ा गर्क हो गया था हाथों में, रात को सो नहीं पा रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये तो है जीजू का काम था करना तो था। हाँ बिल्कुल, जीजू के लिए तो कुछ भी, उनके लिए कुछ भी। तो बस भाई हमने अपना सारा काम खत्म करने के बाद, और हमने यही कबाब फ्राई करके मेरे ख्याल से खा लिए थे, हम कुछ नहीं खाया था क्योंकि वो हमने हम इतना थक गए थे हमसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता और हम बिल्कुल टाइट थे, तो सनी को बाहर जाना, तो हमने कहा हम ही थोड़ा सा भाई राउंड ही दिला के हम थोड़ा सा बाहर जाएं घूम फिर कर आए, तो हम चाय पिलाई झूठे कम बात में बस। तो बस इसी के साथ हम आपसे लेंगे आज का इस ब्लॉग को एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।